मामू क्या हाल है? ये है जी मेरा नान का घर। देखा है आपने, है ना? हम ये देखो सस्ता सस्ता जा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज नवाल अनवर अली एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ईद के तीसरे दिन के बाद ये आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं निकला ही बाहर आ जाऊँ। तो मैं आया हूँ लालामूसा, यहाँ मेरा नन्हयाल भी है, मेरा दादहयाल भी है। मैं आपको सारा का सारा दिखाऊंगा कि मतलब कैसे कैसे यहाँ पे हम रहते हैं, ये रहन सहन हमारे घर यहाँ पे जितने भी हैं, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं, सुबह के तकरीबन 5 बज चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। सारी रात सफ़र की है, आँखें आप देख सकते हैं, ये देखें आप, ये डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं लालामूसा शहर नाश्ता करने, तो चले चलते हैं। अभी हम गुलियाने मोड़ में हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो बैंड ये तो ना ये वाला ये था गुलियाना मोड़। यहाँ पे हमारा जाता है पिंड, ठीक है, मैकन शरीफ हमारे पिंड का नाम है, यानी मेरा दाद का पिंड। यहाँ पे जो है ना वो हमारा पिंड है। अभी हम लालामूसा जा रहे हैं, तो ये देखें, अभी हम बैग पे जा रहे हैं। बैग, ये मेरा कज़न है हमदा सुहेल, मेरी खाला का कबूतर है। तो अभी हम लालामूसा जा रहे हैं, बार बार नहीं जा रहा हूँ, बस एक्साइटमेंट बहुत है ना, काफ़ी देर बाद आया हूँ यहाँ पे। तो लालामूसा का बाजार इंतहाई महंगा बाजार है यहाँ का, यहाँ की चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। ओए होए, लगा रहे ये जी, हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके जो है वो फारिग हो चुके हैं, अब हम जाएंगे लालामूसा। मैं अपने नानों के घर मतलब जाऊंगा, नान का घर यानी के, तो वहाँ पे नानों के घर के पास ही मेरे मामू का प्लॉट था, वो अपना घर बना रहे हैं वहाँ पे, वो भी दिखाता हूँ आपको और नानों का घर भी दिखाता हूँ आपको। नकली पोल हमला भाई के, धड़ाधड़ ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग हमला भाई करते हैं, और ये क्लैश होते होते बच गया और हम कंटिन्यूसली जा रहे हैं। अब ये देखें ऊपर से सारा सीन। अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, पहला गेट लगा के हम छोड़ देंगे, ये खुद ही नीचे जाएगा, और आगे से अंकल आते हुए टक्कर लगती है, और हम बच गए, और अब हम नीचे जा रहे हैं जी। अगर आपको मेरी कमेंट्री पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट्स में बता देना कमेंट्स। और ये है लालामूसा की सब्ज़ मंडी, इंतहाई रश होता है यहाँ पे, ये देखें आप सारा देख सकते हैं जी। और ये है कोरोना वायरस की सेफ्टी प्रिकॉशन, देख सकते हैं आप सारे के सारे। आपने देखा है पाकिस्तानी आवाम कितने प्यारे तरीके से कोरोना वायरस का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल रख रही है, ठीक है, ऐसी आवाम किस्मत वालों को मिलती है। कोरोना भाग डर के भाग जाए। हाय डॉगी, ये डॉगी रखवाली कर रहा था जी प्लॉट की। ये देखें आप,
ये देखें, ये मेरे मामू आ रहे हैं। मामू क्या हाल है? नाज़रीन, रंगे हाथों मैंने आपको अपने मामू से भी मुलाकात करवा दी। ये हैं मेरे, किस नंबर पे आते हैं मामू? सबसे छोटे मामू। हाँ, ये मेरे सबसे छोटे मामू, इसके बाद मेरे तीन मामूज हैं। अच्छा जी, तो ये है हसन भाई का घर। हसन भाई को आप जानते हैं, मेरी एक वीडियो में पहले आ चुकी हैं। वो कौन सी वीडियो में आया था? वो जो हमने कौन सी वाली वीडियो बनाई थी, पहले उस वीडियो में इस बंदे को कॉस्ट किया था, लेकिन उसकी हंसी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। फिर हमने इसको दफ़ा कर दिया यहाँ से। फिर आया था तलहा अरशद, क्या एंट्री मारी थी उन्होंने, जो थी नी मैन कज़न्स मीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। उसमें जो बड़ा भाई था वो था हसन अरशद, उसका ये घर है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं सारा का सारा। और हसन भाई माशाल्लाह से सिविल इंजीनियर भी बन रहे हैं, तो ये उन्हीं की कस्टडी में, उन्हीं के अंडर ये सारा जो है वो प्रोसीजर हो रहा है। मामू जो है वो चुप करके साइड पे बैठ जाते हैं। हसन मेरे मामू का बेटा है, तो हसन का माशाल्लाह से प्रैक्टिकल भी हो रहा है, उसको इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छी मिल रही है। ठीक है, तो मेन चीज़ होती है प्रैक्टिकल, ये थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं आता इंसान को, हमेशा प्रैक्टिकल ही होता सब कुछ। अच्छा जी, तो हसन का घर अभी आप ज़्यादा देख चुके हैं, पीछे ये देखें सारा का सारा। मैं ये भी खड़ा हूँ, अभी ये हमला साहब है, इनका भी लाइक कर दें। वैसे इनका वैसे कोई इनको टिकटॉक पे फॉलो करना है, मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इनको फॉलो करना वहाँ जाके। तो ये जो है पीछे सारा हसन का घर है, अभी वो आता है तो फिर उसका भी हम इंटरव्यू लेते हैं ना। मुझे नहीं पता मेरा एंगल सही आ रहा है, मुझे बैक कैमरा की इतनी वो पहचान नहीं है। मैं अगर आपको दिखाऊँ ना कि हमारा बेसिकली क्या है, ये देखें आप, वो आपको सामने रोड नज़र आ रहा होगा, वो देखें, वो ये जहाँ वो रोड नज़र आ रहा है आपको बीच में बाईपास किस्म का। अब उस रोड से इधर मेरा नन्हयाल है, उस रोड से उधर मेरा दधयाल है। 28 जून को हमारा होता होता है ग्रैंड मेला, मेरे दादा अबू मेरे पर दादा इन मतलब इन सब का ना मेला होता होता है। मैं अपने चाचों से मुलाकात करवाता हूँ आपके जाके वहाँ पे, वो तफसीलन आपको बता देंगे अगर उनके पास टाइम हुआ तो। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो है वो हम मेला नहीं इस दफ़ा करवा रहे, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है मुझे खासतौर पर पर्सनली, क्योंकि कवाली होती है लाइव कवाली, कबड्डी का टूर्नामेंट होता है, बहुत मज़ा आता है बेसिकली। 28 जून हमारे लिए साल का सबसे बेहतरीन दिन होता है, एक किस्म की हमारी ईद होती है ये। तो आज कम अज़ कम मेला तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम आए हैं यहाँ पे हाज़री देने, क्योंकि हाज़री ज़रूरी है भाई, ख़त्म होगा यहाँ पे। ठीक है, ख़त्म में शिरकत करेंगे इंशाल्लाह, 6 असर के बाद है ख़त्म मेरा ख्याल है। तो मैं अपना दाद का घर भी आपको दिखाता हूँ। अभी हम जाएंगे मेरे नानों के घर, नानों तो अल्लाह को प्यारी हो गई, नाना अबू नानी हैं, अभी मेरे ना नाना अबू हैं ना नानी हैं, मैं ना दादा अबू हैं ना दादी हैं, मैं सब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह की मकसद फरमाए। अभी हम जाएंगे नानों के घर, मैं आपको नानों का घर दिखाता हूँ सारा का सारा, जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा। मेरे नाना अबू का नाम टीचर थे वो, तो चलते हैं अंदर। बेल लगी हुई है? ये हमारी गली बहुत तंग है, बहुत तंग गली है ये, और यहाँ पे सिग्नल भी नहीं, सिग्नल भी। ये है जी नाइयों का घर, मरासियों का। ये देखिए, ये आपको इंटीरियर देख कर लग रहा होगा ये पुराने ज़माने का इंटीरियर है सारा, स्पीकर वगैरह सब कुछ। एक भी चीज़ यहाँ की जो है ना वो नहीं रही है, हर चीज़ जो है वो 90s की है। ये है जी मेरा नान का घर। अभी आप लोगों ने देखा है मेरी नानों का घर, यानी मेरा नान का घर। अब हम जा रहे हैं मेरी बड़ी खाला के घर, यानी मेरी खाला अम्मी के घर। मैंने कहा अब आए हैं, अगर नहीं सोए तो फिर फायदा उठाते हैं, सबके लामे होते हैं, नवाल तो उन्हें मिलता नहीं, तो मैं कहा सबके लामे दूर करते हैं जाके, आज एक एक के घर जाके उसको मिलने गया हूँ आज मैं। अब हसन साहब का बेटा सिर्फ, जो सीधी सी बात है वो आया नहीं है अभी, आ जाता है वो 7 बजे तक, वैसे अभी तक आया नहीं है वो, वो आएगा तो फिर हमने यहीं पर रहना है ये घर के पास। तो वेट, गाइस दिस इज़ मी नासिर खान, गाइस दिस इज़ हसन अरशद,
हसन नसर साहब अपने घर का काम कर रहे हैं अभी, ये रेडी मैंने उठाई है थोड़े से पहले, अनफॉर्चुनेटली वीडियो कोई नहीं बना सका, प्रूफ नहीं है मेरे पास, लेकिन देखेंगे साहब का। ये बंदा भर के दे रहा है सबको, ठीक है जी। तो वो मेरे मामू है, मामू के पास एक बच्चा खड़े होकर पता नहीं क्या कर रहा है। ये मेरे छोटे मामू हैं, छोटे हैं। लो जी घर का काम जोरों शोर से जारी है, ये भाई साहब लगे हुए हैं। ये क्या था बता, मुझे भूल गया, ये क्या जगह थी? ये वॉशरूम है, ये गटर है। कितना बड़ा गटर? ओके गाइस, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आज का काम नहीं हो सका, क्योंकि आज संडे था और क्या हुआ है, उन्होंने धोखा दे दिया। नहीं नहीं, धोखा नहीं दिया सर, मैं कि कल हमारा जो एक्चुअली सीवरेज था एक रह गया था, थोड़ा छोटा बाथरूम वाला जो पुराना है, बिल्कुल साथ है ड्राइंग रूम के, तो उसके लिए हमें एक मजदूर रिक्वायर्ड था और एक मिस्त्री था। मिस्त्री साहब आ गए, लेकिन मजदूर को हमने कल कहा था वो आ जाए, वो आ नहीं आ सके। मजदूर ने अंडरस्टैंडिंग हो गई, नहीं नहीं मजदूर ने गोली करवाई है, ठीक है। तो अब बाय द वे हसन अच्छा बिग मैन, तो जी फाइनली हम एक इकट्ठे हो चुके हैं। चौथा जो है वो हमेशा की तरह हमारे साथ नहीं, हमें नहीं रहा, वो किसी और को प्यारा हो गया। वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम करता है, उसको क्रिकेट का जुनून है, जुनून क्या कहते हैं, परवाज है जुनून। अगर आप उसको लेना चाहते हैं अपनी टीम में तो ज़रूर लें। वो पाकिस्तान का उबलता हुआ सितारा है, बहुत अच्छा क्रिकेटर, यंग टैलेंट है पाकिस्तान का, जिस तरह कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। इतना टैलेंट है कि टूर्नामेंट में 7 में से 6 मैच हारे हैं और 1 जीते हैं, और बाहर हो गए हैं तो गुस्सा मेरे पे निकालते हैं। तो ये जोक्स अपार्ट बात सच्ची थी वैसे, लेकिन फिर भी अब मैंने आपको अपना नानका घर भी दिखा दिया, ठीक है। मैंने आपको अपने जो मेन दो मेरे राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, वो पीछे वो मेरी एक तक है, ये ए उंगली, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो इनसे मैंने मिलवा दिया आपको, जो दरमियान वाला हैंड है वो पता नहीं कहाँ गया होगा। बाकी मैंने आपको अपने मामू से भी मिलवा दिए, छोटे मामू से, सबसे बड़े मामू जो हैं वो चक्कर में ले होते हैं, आपको नहीं पता होगा उसका। बाकी ये है कि अब हम जाएंगे, अब मैं आपको दिखाऊंगा अपना दांत का स्प्रिंट। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि एक रोड बीच में लगता है, इस तरफ जो है वो नानका है, दूसरी तरफ जो है वो दांत का है। तो अब हम दांत का स्प्रिंट में जब जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ सारा। अच्छा जी, तो अब हमारा लिटरली प्रोग्राम बना है कि गर्मी बहुत लग रही थी, ये हसन भाई जो है ये पसीने से शराबूर हैं, तो अभी हमने सोचा है कि यार हम ट्यूबवेल में जाकर थोड़ा सा अपने आप को ठंडा ठंडा फील करवाते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं ट्यूबवेल नहाने। आप हमारी ज़मीनों का, हमारी तो नहीं क्या जिसकी भी हैं ये, उनकी ज़मीनों का आप लुत्फ अंदोज़ उठाइए, लुत्फ उठाइए, लुत्फ। ये देखें सारा, ये जो आपको सामने कब्रिस्तान नज़र आ रहा है ना, ये मेरे नाना वो नानी माँ की कब्र यहीं पर है, दादा वो दादी माँ की वो हमारे मैकन शरीफ है पिंड, वहाँ पे है ये हमारा ठिकरियाँ का मरकजी कब्रिस्तान है। और यहाँ पर जितने भी हमारे प्यारे हैं ना जो ठिकरियाँ के हैं, वो सारे तकरीबन यहीं भी मदफून है। और ये जो आपको घर नजर आ रहा है, ये सामने बड़े टैंकी वाला, इन्होंने दीवार ऊंची कब करवाई है हम लोगों ने? नहीं नहीं वो वाला, सॉरी वो जो सामने घर नजर आ रहा है ना आपको सारा का सारा, ये हमदा लोगों का घर है, हमदा भाई वो है सामने। अच्छा जी, तो हम नहा के हो गए फारिग। ये बंदा मेरी सूखी शर्ट के साथ अभी अनेक साफ कर रहा है। हाउ डेयर यू टू डू दिस शिट। ओए ओ यार, अनेक पहन नहीं है यार, ना कर। अच्छा जी, तो दिस इज कजन थिंग्स, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड हाय। सुबह देखा होगा आपने, है ना, हम इतना एंजॉय करते हैं यकीन करें, और हम अपने चौथे मस्केटियर को इतना मिस करते हैं, लेकिन उस चूड़े के पास क्रिकेट के अलावा टाइम ही कोई नहीं है। अभी भी वो सराय आलमगीर गया हुआ है, पता नहीं क्या करने, मे भी कोई ज़रूरी काम हो माजिद पर, डोंट माइंड। तो जी अभी हम नहा धो के जो है फारिग हो गए हैं, गर्मी हमारी जो है वो सारी की सारी दूर हो गई है। अब हम जाएंगे मैकन शरीफ, पहले हम कपड़े चेंज करेंगे, ठीक है, फिर हम कुछ खाएं पिएंगे, फिर हम जाएंगे मैकन शरीफ, यानी कि मेरा दाद का पिंड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 28 जून को हमारे मेला होता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मेला जो है वो नहीं हो पाया, लेकिन हम फिर भी छोटी सी महफिल मिलाद कर रहे हैं सिर्फ घर के बंदे इकट्ठे होकर। तो वहाँ पर जाते हैं, तो फिर मैं आपको अपना सारा माँ का दाद का पिंड दिखाता हूँ, उसको भी दिखा दो। अस्सलाम वालेकुम जी, तो ये है मेरा दाद का घर, यहाँ से शुरू होता है ये जो वाइट नहीं है, मतलब वाइट एरिया सारा, ये दरबार जो है ये मेरे, ये दादा अबू का ना दरबार, ये मेरे दादा अबू का, यहाँ दरबार शरीफ पे जो है ना नाम भी लिखा हुआ है,
वो हमारी ना मतलब स्टोरीज हैं इस तरह की इस्लामिक जो हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। दिस इज़ द एंट्रेंस। अभी आपको बताया था तो आज मेला है हमारा, तो इसलिए रश है काफ़ी, मैं अंदर जा नहीं रहा था, मैं जाऊँगा अभी। उधर से मैं आपको दिखाता हूँ, पापा का नाम भी नज़र आ रहा है। हमारे साथ एक नंबर की चवल बच चुकी है, हम आए थे वॉक करने कंट में और देखे क्या होगा। रेन है। ये लो देख लो तुम। हाय, ये देखो। ये देखो सब। सस्ता शाहरुख खान। कोविड 19 वाला शाहरुख खान। भाई स्टेज शुरू हो गई यार, ये क्या बदतमीजी है। हाजी, तो उम्मीद है आपको व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। मैं व्लॉग को यहीं पे एडिट कर रहा हूँ, मेन मकसद था आपको अपना नानका और दादका घर दिखाना, और सारा मेरा नन्हयाल दादहयाल जो भी है यहाँ पे। मेरी तबीयत थोड़ी सी जो है ना वो हो रही है, ऊपर नीचे थोड़ी सी दिल घबरा रहा है, अंदर सफोकेशन बहुत हुई है मुझे मास्क की वजह से भी सब कुछ। व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, अब आपसे मुलाकात होती है मेरी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कॉमेडी स्क्रिप्ट की। इंशाल्लाह अगली कॉमेडी स्क्रिप्ट भी होगी, पूरी कोशिश है मेरी, नहीं तो मंडी का चक्कर दोबारा लगाना है मैंने। तो अपना ख्याल रखें, पीस।